हाय गाइस, आज तक किसी ने कभी ये सोचा है कि कभी मैटर का भी फार्मूला एक एकदम शॉर्ट में आ जाएगा? अगर नहीं तो आज हम बताने वाले हैं उसी फार्मूला के बारे में कि आप एकदम इजी तरीके से कैसे अपना मैटर का कटबैक निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैटर कट के शॉर्ट फार्मूला के बारे में। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें। समझ लीजिए हमारा पाइप साइज है 4 इंच, कट हो गया 3, एल्बो 90 का रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ओल्ड वाला हमारा सी एफ इंटू डिग्री, जैसे डिग्री अपॉन फुल डिग्री इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कट। ओके, ये मेरा पुराना वाला फार्मूला है। तो जैसे मान लीजिए हमारा 4 इंच का हमको निकालना है 114 इंटू 3.142, मतलब 358। ओके, 358 इंटू डिग्री मेरा 90 का रहेगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ। 360 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कट, मान लीजिए 3 कट है मेरा। ओके, इसको डिवाइड करेंगे 358 इंटू 90, हमारा आ रहा है 3220 अपन 360 इंटू 2 इंटू 3 2160। अगर इसको हम लोग कट करेगा तो मान लीजिए 3220 डिवाइड 2160 हमारा 14.91 इक्वल टू 15 mm हम लोग हो जाएगा। और मिडिल पीस के लिए, आपका कटबैक इनटू 6 स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो मान लीजिए कटबैक मेरा 15 हो गया और मेरा ये 6 हो गया इक्वल टू 90 mm, ये मिडिल पीस हो गया। ओके, तो ये रहा मेरा पुराना फार्मूला। अभी हम बात करने वाले हैं नए फार्मूला के बारे में। तो नया के लिए क्या होगा थोड़े से, सो दोस्तों चलिए हम नए वाले फार्मूले के बारे में बताने चलते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए पाइप साइज आपका सेम रहेगा 4 इंच, कट आपका रहेगा 3 कट और एल्बो रहेगा आपका 90 का। ओके, तो इसका फार्मूला कुछ फार्मूला नहीं है, सिंपली एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पाइप साइज आपका जो भी है 4 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12, 16, 20, जो भी पाइप साइज है, पाइप साइज के आगे आपको सिर्फ 5 रखना है, 5 रखिए और इसको कट से डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कट हमारा इतना है तो ये 15, सीधा सिंपली 15 आ गया। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपका 8 इंच है, 8 के आगे 5 रखिए और कट से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 85 डिवाइड 3 इक्वल टू 28, ये कटेगा 28 mm हो जाएगा। आप चाहें तो आप लोग खुद इस फार्मूला से भी निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मिडिल पीस के लिए सेम वही फार्मूला होगा, कटबैक इंटू 6 स्टैंडर्ड के लिए है। तो मान लीजिए कटबैक मेरा 15 आया और ये 6 कर दीजिए 90 हो। ओके, ये आप देख सकते हैं, तो आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं आपको कौन सा ईजी है। ये आपका ये वाला फार्मूला ईजी है, इसमें इतना लंबा प्रोसेस का है। मान लीजिए ये फार्मूला है, इसमें इतना मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इतना सारा ये आपको देखने को मिला, इतना डिवाइड करो। इसके लिए कैलकुलेटर आपको चाहिए ही चाहिए, या तो बैठ के खुद आप पेन से लिखें तो उसमें काफ़ी समय जाएगा, ठीक है। और ये सिंपली देख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ 5 उसके आगे रख के डिवाइड, कट से डिवाइड कर देना है, आपका एक कट बैक आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। ऐसे हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेगा।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें।